स्टार्ट करते हैं जीरा आलू। जीरा आलू के लिए हमें चाहिए 2 बड़े उबले आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा बारीक कटा हुआ। हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा हो चुका है तो हम इसमें अपने कटा हुआ आलू डालेंगे। आलू को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हम। हमारा आलू फ्राई हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है तो हमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर के लिए मैंने आलू को साइड में करके बीच में टमाटर डाला है ताकि इसमें हीट लगे, थोड़ा हीट से पकेगा। इसके बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा पकाने के लिए मैं इसके ऊपर नमक डालूँगी। नमक से और ज़्यादा पकेगा, अच्छे से पकेगा, गल जाएगा। तो ये मैंने नमक डाल दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए मेरा टमाटर गल चुका है और अच्छे से गल चुका है। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्लास पानी। मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, आलू भी मैश करती जा रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 ग्लास पानी। इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे हम 5 मिनट के लिए। आफ्टर 5 मिनट ये इस तरह से हो चुकी। मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूँगी। ये अमचूर है और मैंने इसको थोड़ा सा इसी के पानी में ही घोल लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। एक बॉयल आने देंगे। आलू जीरा की सब्जी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इसको धनिया के साथ सर्व करेंगे। तो अब बनाएंगे सिंघाड़े की पूड़ी। सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े उबले हुए आलू, सिंघाड़े का आटा, ये हमें किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो मैं आलू पे डाल रही हूँ सिंघाड़े का आटा, नमक। जब तक मैं पूड़ी का आटा तैयार कर रही हूँ तब तक मैं कढ़ाई में अपनी घी डाल के गर्म कर लूँगी। तो मैं डाल रही हूँ इसमें घी, क्योंकि ये व्रत की पूड़ी है तो मैं इसको घी में बनाऊँगी। अब मैं इसमें अपने डो में ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। अब मैं अपने हाथों से अच्छे से मैश करूँगी आलू को आटे के साथ। बिल्कुल आटे के जैसा ही डो बनाना है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आलू का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल से मैश कर लेना है इसको अच्छे से। तो मेरा डो रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इन पूड़ियों को मैं हाथों से ही बनाना है। इसमें किसी चकले बेलन का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं शायद पूड़ी को शूट करना भूल गई हूँ तो सॉरी। मैंने ये पूड़ी बना के डाल दिया है और मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई, सॉरी। आप इसको आटे की लोई की जैसा लें, फिर अपनी उंगलियों की सहायता से इसको चपटा कर लें। आपकी पूड़ी रेडी है। आप इसको ऑयल में डालिए इस तरह से और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप तल लीजिए। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं दोनों साइड गोल्डन ब्राउन करूंगी आराम से। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, रेडी है मेरी सिंघाड़े की पूड़ी। अब मैं बनाऊंगी साबूदाना खीर। साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने साबूदाना को थोड़ी मात्रा में लिया है, आधी कटोरी होगा। इसको मैंने भिगा लिया 2 घंटे के लिए, अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब मैं इसको गैस पर रख दूंगी। इसको सिम पे ही रखना है और 5 मिनट के बाद देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। मैंने 1 कटोरी दूध ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ी खीर बनाई इसलिए मैंने 1 कटोरी डाला है। अब मैं इसको दूध के साथ 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। सिम फ्लेम पे ही पकाना है इसको। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
चीनी मिक्स हो चुकी है और ये अच्छे से पक चुकी है। आप इसमें ड्राई फ्रूट, केसर सब कुछ डाल सकते हो, पर मैं कुछ नहीं डाल रही। डन है मेरी साबूदाना की खीर। और अब मैं बनाऊंगी आलू और सिंघाड़े की पूड़ी, नहीं पकौड़ी, सॉरी पकौड़ी बनाऊंगी। तो मैंने लिया है आलू, सिंघाड़े का आटा, नमक, हरा धनिया और मिर्चा। अब मैं इसको पानी की सहायता से हल्का सा मैश करूंगी। आलू की थोड़े थोड़े बाइट मिलने चाहिए पकौड़ी में। तो मैं पकौड़ी तेल में डाल रही हूँ, मेरा तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। फ्रेंड इनको भी गोल्डन ब्राउन करना है। मेरी पकौड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं इसको पलट रही हूँ। आराम से पलटिए क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है इस समय। तो मेरी पूरी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुकी है पकौड़ी, और मैं इसको पूरा पका लूँगी अच्छे से। मेरी पकौड़ी हो चुकी है, अब मैं इसको निकालूँगी बाहर। आप इसको चटनी के साथ, दही के साथ बड़े अच्छे से खा सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स रेडी है मेरी सिंघाड़े और आलू की पकौड़ी, देखिए कितनी क्रंची बनी है। तो फ्रेंड्स रेडी है मेरी व्रत की थाली। इसमें दो चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं वो है मेरी टमाटर धनिया की चटनी और दही।